तर दरम्यान नितीन पाटील यांच्याकडनं एजी स्पोर्ट गंगारापाडा संघाचं अभिनंदन करण्यात आलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद नितीन पाटील साहेब, तुम्ही वेळात वेळ काढून या टुर्नामेंटला नक्कीच खेळाडूंना प्रोत्साहन देत आहेत त्याच्याबद्दल नितीन पाटील यांचं नक्कीच धन्यवाद. तर सामन्याला सुरुवात होते सर, टॉस हारल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना अंजूर संघ एक एक मैच जीता है दोनों भी टीमों ने. आज के दिन का कुल मिलाकर ये आठवां मुकाबला. आज सुपर संडे है, खिलाड़ियों का कमाल और संडे दी धमाल. स्वर्गीय भाऊ चषक 2020 टूर्नामेंट का अंतिम दिन, देखना है कि कौन चैंपियन बन पाता है. आज दो टीमों ने तो क्वालिफाई कर लिया है टॉप थ्री के लिए, आई गावदेवी लोपे और जय हनुमान नांदित ने टीम ने. और अब ये दूसरे राउंड का मुकाबला, कालिका माता अंजूर वर्सेस चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी. दुधनी टीम के दो सलामी बल्लेबाज स्वप्निल गायकर और उनके साथ संकेत भोईर. पहला ओवर लेकर सागर अच्छी गेंद थी लेकिन फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए, बैकफुट पर जाकर पंच किया था. मिड ऑफ की दिशा में अच्छा क्षेत्ररक्षण लेकिन उससे पहले एक रन दौड़कर पूरा करते हुए स्वप्निल. खाता खुलता हुआ स्वप्निल गायकर और साथ में चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम का. आज हमने देखा है कि तीन ओवर के खेल में 43 रन भी चेज हुए, पोगाव टीम ने वो कारनामा किया. हालांकि हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि 30-35 एक अच्छा टोटल है तीन ओवर के खेल में, लेकिन यही तो क्रिकेट खेल की मानता है. इस बार ड्राइव किया गया नवा में, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी नहीं, थोड़ी सी दूर रह गई गेंद. इनफील्ड के ऊपर से खेला था डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. दो रन पूरे किए हैं, तीसरे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन दो से ही संतुष्ट करना पड़ेगा. थोड़ा सा रिस्की स्ट्रोक था लेकिन रिस्क तो उठाना ही होगा क्योंकि तीन तीन ओवर के मैचेस हैं. नक्कीच रिस्क घेतल्याशिवाय कोणतीच गोष्ट सिद्ध होत नाही आणि घ्यावी लागेल, मोठा फटका मारावा लागेल जर चांगला धावसंख्या उभारायची असतील तर दुधनी संघाला. आणि कारण समोरचा संघसुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी करतो आहे आणि त्यांच्या कमजोर चेंडूचा फायदा उचलावा लागेल, तसेच चांगल्या प्रकारे चांगल्या गोलंदाजीसुद्धा करावी लागेल. आणि मोठा प्रहार केला जातोय, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे, चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला असता परंतु ऐनवेळी मोक्याच्या क्षणी नक्कीच चेंडू हातामध्ये येत नाही. एक नक्कीच कठीण झेल होता, उलट दिशेने प्रवाह चालू होता आणि अशा वेळेस झेल घेणं कठीण होता, परंतु तरीसुद्धा प्रयत्न केला होता. दोन धाव मात्र रोखू शकलेले नाही, दोन धावांची धावसंख्या दोनने पुढे सरकते ती म्हणजे 5, बिनबाद 5. 100% टायमिंग देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस टाइम कर रहे हैं अपने शॉट्स को बल्लेबाज संकेत, लेकिन उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं. इस बार आड़े बैट से खेलना चाहते थे, अपील हो रही है वहां पर और आउट. अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, पहला झटका लगता हुआ चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम को. जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे संकेत, कहीं ना कहीं उन्होंने रवि सर संकेत दे दिए थे कि वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिकने वाले नहीं है, मिस टाइम कर रहे थे अपने शॉट्स को और आखिरकार कॉट बिहाइंड आउट हुए. नक्कीच दुहेरी फेरीतील सामना आहे, जास्तीत जास्त धावा जमवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. ज्यावेळेस मिस टाईम शॉट होणार आहेत अशा प्रकारचे धक्के मिळणार आहेत, परंतु रिस्क घेतल्याशिवाय काही साध्य होणार नाही. ती रिस्क घेतली होती परंतु अपयशी ठरला संकेत. पुढचा चेंडू सागर याचा, सागरसाठी आणि नक्कीच ऑफच्या दिशेने ठेवला चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स होण्याचा प्रयत्न करतो आणि पुढील काम करतो यष्टी रक्षक. निर्धाव चेंडूची नोंद होते धावसंख्या 5 वर. काफी अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले के ओवर में. पावर प्ले का यदि बल्लेबाज लाभ नहीं उठा पाते हैं तो फिर आने वाले ओवर्स में भी दबाव में रहेंगे. आगे रखी हुई गेंद, इस बार अलग लाइन पर खेल बैठे थे, जिस लाइन में गेंद थी वहाँ पर बल्ला नहीं था, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन और इसके साथ ही
शानदार ओवर सागर दौड़े का समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर केवल 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम। इसी बीच हमसे विदा लेते हुए एवन जोड़ी खासदार चषक के आयोजक सम्माननीय नीलेश पाटिल साहब और माननीय श्री सुकेश डाकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और इस टूर्नामेंट की शोभा को बढ़ाया। नक्कीच, अशा पाहुण्यांची आपल्याला उपस्थिती हवी होती आणि ते पाहुण्याने त्या पाहुण्याने या ठिकाणी हजेरी लावली, त्याबद्दल नक्कीच त्यांचा एक जबरदस्त किमती वेळ या टूर्नामेंटसाठी दिला, त्याबद्दल लाख 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 आभार पाहुण्यांचं। जी हाँ, और जो खासदार चषक हम देखने वाले हैं 23 तारीख से 5 मार्च तक, महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्रामीण टूर्नामेंट रहेगा, ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का महासंग्राम, क्योंकि इस पूरे महाराष्ट्र में से सभी नामचीन टीमें जो है ग्रामीण की वो वहाँ पर खेलने वाली है। अच्छा, दिवस जर बगित चंदर यानी जी अगोदर सामन मे जर बगित निर्धाव षटक हाथ होता, एक विकेट सुधा टिपल होता, जोरा वाला मैन ऑफ द मैच पुरस्कार देता होता, लेकिन इस मैच में उनका स्वागत, भव्य हिट डाउन द ग्राउंड 6 रन। मला वाटलं अजय सर नक्कीच स्वप्नील यांनी त्यांची गोलंदाजी पाहिली असेल आणि त्याचं मला वाटतं अभ्यास केला असेल की नाही चंदर याला कशा प्रकारे खेळलं पाहिजे आणि पहिल्याच चेंडूवर सरसावर मारण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि उत्तुंग एक गगनभेदी षटकार आणि पुन्हा एकदा मोठा प्रहार, बॅक टू बॅक चेंडू जातोय सीमेकडे, परंतु चांगला आणि सुरेख झेल। इसी बीच ग्राम पंचायत वडपे के विद्यमान सदस्य सन्माननीय प्रदीप गायकवाड साहब का शुभ आगमन होता हुआ, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो धाव संख्या नक्कीच 11 वर एक गड़ी बाद होतो, पहिला गड़ी बाद होतो तो म्हणजे चेरोबा स्फोट दुधनी संघाचा, दुसरा गड़ी बाद होतो चेरोबा स्फोट दुधनी संघाचा, धाव संख्या 11 वर। पहिल्या चेंडूवर एक षटकार आल्यानंतर पुढच्या चेंडूवर मात्र एक नक्कीच खूप सुंदर असा झेल पकडला जातो क्षेत्ररक्षकाकडनं और अच्छी वापसी करते हुए चंदर। ओ, इस बार देखना है बैट से या नहीं, विकेट कीपर से तो रुकी नहीं है, लेग स्लिप में गेंद को उठाते हुए वहां पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर, बाई का इशारा करते हुए अंपायर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, पहले ओवर में काफ़ी धीमी शुरुआत रही थी, दूसरे ओवर की शुरुआत अच्छी रही लेकिन छक्का लगाने के बाद आउट हुए बल्लेबाज स्वप्निल गायकर, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, 7 रन बनाए उन्होंने, 4 रनों का योगदान दिया आउट होने से पहले संकेत ने, संकेत पहले विकेट के रूप में आउट हुए थे। स्कोर इस समय 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राइट अमोर द विकेट, मिस टाइम शॉट, लेकिन कवर्स में कोई फील्डर नहीं है, कम से कम 2 के लिए जाना चाहेंगे, वही कोशिश यहाँ पर, थोड़ा सा रिस्की था, 2रा रन 2 रन पूरे और आप तीसरे के बारे में सोच रहे हो वहाँ पर, ओहो रनआउट का मौका जरूर था लेकिन अब 3 रन पूरे होते हुए चुरा लिए रन। खराब थ्रो मी म्हणेन सर, की ज्या ठिकाणी थ्रो करायला हवा होता त्या ठिकाणी केलं नाही, मला म्हटलं बघितलं नाही फलंदाजाला कोणत्या दिशेने चेंडूची फेक करायला हवी होती, त्या दिशेने केली गेली नाही आणि नक्कीच त्याचा फायदा मिळाले तो म्हणजे दुधनी संघाला 3 धावा मिळत आहेत, 3 धावांनी धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 15। वापसी जरूर देखने को मिल रही है चेरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम द्वारा। इस बार गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम कर दी थी, ठीक तरह से कनेक्ट तो नहीं कर पाए लेकिन गेंद आउटफील्ड में जाती हुई, विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं दोनों भी बल्लेबाज। नक्कीच 2 धावा चोरल्या जातात, मी तरी म्हणेन वारंवार पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय चंदर याच्या गोलंदाजीवर नक्कीच, आणि परंतु ती पुढे जेव्हा बॅटमन आला गेला तेव्हा लगेच चेंडूला थोडासा आखूड ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला, याला म्हणतात अनुभवी गोलंदाज आणि चंदरकडे तो अनुभव आहे, त्या मात्र लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, चेंडू जातो स्टम्पवरून निर्धावच्या रूपाने, धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या ती 17 आणि 2 षटकांची खेळी सुद्धा संपलेली आहे, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 17, जवळजवळ 8.5 च्या सरासरीने धावसंख्या जमवण्यात यश आलेलं आहे।
आलेले शेवटचं षटक आहे आणि या शेवटच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा जमावाव्या लागतील चेरोबा दुधनी संघाला. तर पाहूया या सात चेंडूमध्ये किती धावा जमवतोय चेरोबा स्पोर्ट दुधनी संघ. पहले ओवर में आए थे 5 रन, दूसरे ओवर में आए 12 रन और आखिरी ओवर में भी यदि 12 रन बनाते हैं बल्लेबाज तो अच्छा टोटल रहेगा. 29 तक भी पहुंचते हैं तो संतुष्ट रहेंगे दुधनी टीम के कैप्टन, क्योंकि शुरुआत खराब रही थी. पहले ओवर में ज़्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 10 से ज़्यादा ही रन्स बनाने की कोशिश होगी बल्लेबाजों की. अधिक से अधिक रन्स छोड़ना चाहेंगे इस आखिरी ओवर में दुधनी टीम के बल्लेबाज. आखिरी ओवर लेकर बिंदास दौड़े, स्ट्राइक संदीप के पास. इसके बाद होने वाला मैच ओमसाई पोगाव और एसजी गंगाराम फाड़ा के बीच. ऊपरी किनारा, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल. तर नक्कीच पुढचा गडी बाद होतो, म्हणजे तिसरा गडी बाद होतो धावसंख्या 17 वर. थोडीशी बिकट अवस्था म्हणावी लागेल, परंतु 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आता मात्र नक्कीच क्लिक केलाय चेंडूला, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक झेल होऊ शकलेला नाही आणि 2 धावेसाठी धावत आहेत. तिसरे धावचा प्रयत्न करतात का? आणि नक्कीच तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न असणार आहे आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण. नक्कीच स्वैर आपण बघितलं तर एक थ्रो चांगला आला नव्हता आणि तो कलेक्ट करता सुद्धा विकेट कीपर आला नव्हता आणि त्याच्याच बदल्यामध्ये 3 धावा मिळाल्या जातात दुधनी संघाला. धावसंख्या 3 वाढते, धावसंख्या होते ती 20-3 गड्याच्या बोबदल्यात. हालांकि कॅच था, आसान कॅच हो सकता था, लेकिन फील्डर थोड़े से फिसल गए थे वहां पर. संतुलन जो था उनके शरीर का वो बना नहीं पाए थे, जिस वजह से कॅच ड्रॉप हुआ और बहुत ही महत्वपूर्ण 3 रन्स मिले हैं. रन संख्या 20 3 विकेटों के नुकसान पर सागर को यह जीवन दान मिलता हुआ. सागर पहुंचे 5 पर. अब स्ट्राइक नए बैट्समैन अशोक भुईर के पास. मात्र 4 गेंदे पारी में शेष. चेरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम इस समय टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई कालिका माता स्पोर्ट्स अंजोर टीम के सामने. ओमसाई पोगाव टीम के कैप्टन और एसजी गंगाराम पाड़ा टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है. अशोक नंबर 5 पर आए हैं, लंबे हिट्स लगा सकते हैं. अभी तक इस पारी में केवल 1 सिक्सर लगा है, उसके अलावा कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है. जोरदार अपील और बल्लेबाज खुद निकल चुके हैं पेवेलियन की राह पर. विकेट का पतन होता हुआ. अच्छा स्पिरिट वहाँ पर दिखाया अशोक ने, हालांकि रन नहीं बना पाया अपनी टीम के लिए, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतज़ार नहीं किया उन्होंने. उनको पता था कि किनारा लगा है, निकल गए सीधे पेवेलियन की तरफ. 20 के ऊपर 4th झटका लगा है नए बैट्समैन दिनेश. ओ हल्के हाथों से ढकेला है केवल कवर्स में, 1 रन पूरा किया. फील्डर काफ़ी दूर से आ रहे हैं, फंबल मिस फील्ड डीप में. 2 रन पूरे, तीसरे के लिए पलट चुके हैं, लेकिन मुश्किल है और रन आउट. धन्यवाद नक्कीच या मॅचसाठी चेरोबा स्पोर्ट दुधनी या संघासाठी श्रीकांत पडवळ यांच्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा आलेले आहेत. धन्यवाद श्रीकांत पडवळ.
लगातार विकेट्स गवाती हुई दुधनी टीम। इस बार करारा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार प्रहार, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक थ्रू द लाइन उठाया था वहां पर सागर ने, महत्वपूर्ण सिक्सर, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। फिर से वही कोशिश, लेकिन इस बार मिसटाइम कर बैठे हैं। ओहो, अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर की, लॉन्ग ऑफ से मिड ऑफ पर आए थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। कैच वैसे देखा जाए तो था ही नहीं, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन फील्डर काफी दूर थे। 2 रन आखिरी गेंद पर और इस तरह से पारी समाप्त होती हुई, तो कुल मिलाकर 30 रन बनाने में कामयाब हुई है चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम और 31 रनों का टारगेट कालिका माता अंजूर टीम के सामने। नक्कीच 33 धावासुद्धा निर्णायक ठरू शकतात, कारण चांगली गोलंदाजी आहे चिरोबा स्पोर्ट दुधनी संघाकडं, फक्त चांगलंच गोलंदाजी करावी लागेल, ती क्षमता आहे त्या गोलंदाजामध्ये, स्वतःला सिद्ध करावं लागेल चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी संघाच्या गोलंदाजांना। तर जाऊया आपण पुढील मॅचच्या टॉसकडे, ओमसाई पुगाव विरुद्ध एसजी स्पोर्ट्स गंगारामपाडा। सन्मान्य जयेश म्हात्रे साहेबांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल, तर जयेश म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। वेलकम जयेश म्हात्रे साहेब, जानी स्पोर्ट्स वडपे आणि स्वर्गीय भाऊ चषक असं हे कॉईन आपण पाहतोय। गंगारामपाडा टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत, जानी स्पोर्ट्स असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि ते चालेल। तर टॉस जिंकलेला आहे गंगारामपाडा टीमच्या कॅप्टनने। थँक्यू सर, आपल्याला विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जावं, काय निर्णय फिल्डिंग क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय जो तुम्ही घेतलेला आहे, या पाठीमागे काय कारण आहे? कारण बॉलिंग आमची चांगली आहे। आणि काय रणनीती असणार आहे? आता 3 षटकांचा सामना आहे, दुसऱ्या फेरीतील मॅच आहे, काही चेंजेस वगैरे गोलंदाजीमध्ये किंवा तुमच्या टीममध्ये? नाही, चेंजेस नाही। तर किती धावांपर्यंत थांबण्याचे मनसुबे आहेत? 30 धावांपर्यंत। थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा देतोय। या ठिकाणी तुम्ही टॉस गमावलेला आहे आणि तुम्हाला प्रथम बॅटिंग करायची आहे, तर साधारणतः ग्राउंडचा विचार करता आणि तुम्ही एक सामना देखील जोडी मैदानात पाठवायचे, ते पाहता सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची, किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न राहील? पहिली मॅच जिंकल्यानंतर आमचा उत्साह वाढलेला आहे आणि आम्ही जास्तीत जास्त धाव मारण्याचा प्रयत्न करू। पहिल्या मॅचमध्ये असं वाटतंय का गोलंदाजीमध्ये कुठे चुका झाल्या होत्या, कारण 42 धावा खर्च केल्या होत्या तुम्ही? हां हां, निश्चितच आमच्या चुका झाल्या होत्या, त्या सुधारण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील मी हार्दिक शुभेच्छा देतो या मॅचसाठी। तर एसजी स्पोर्ट्स गंगारामपाडा टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय आणि त्यांनी प्रथम बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ओमसाई पोगाव टीमला। बॅक टू कमेंट्री बॉक्स। तर नक्कीच 31 धावांचं आव्हान। तर दरम्यान आपल्यामध्ये मान्यवर उपस्थित होता तर राहुल पाटील, एक जबरदस्त क्रिकेट प्रेमी आणि नक्कीच आमचे परम मित्र आहेत राहुल पाटील, तर त्यांना मी आमंत्रित करतो लगेचच स्टेजवर येऊन विराजमान व्हायचे राहुल पाटील यांनी। काफी अच्छा कॉन्टेस्ट ये हो सकता है चिरोबा स्पोर्ट्स दुधनी बनाम कालिका माता अंजूर। वापसी अच्छी की है दुधनी टीम ने, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बनाए थे लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में 25 रन बल्लेबाजों ने बनाए। सागर ने अच्छी पारी खेली, 13 रन बनाए अपनी टीम के लिए, नाबाद रहे। स्वप्निल ने 7 रनों का योगदान दिया और अब दोनों भी ओपनर्स अंजूर टीम के क्रीज पर है, सागर और उनके साथ देवजी। पहली गेंद लेकर स्वप्निल, ओवर पिच गेंद लेकिन मिस टाइम शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, पहली गेंद पर करारा झटका। तर नक्कीच पहिल्याच चेंडूवर, सर आतापर्यंत आपण बघितलं का पहिल्याच चेंडूवर चौकार लागायचा, तर नक्कीच या टुर्नामेंटसाठी एक जबरदस्त योगदान असे आमचे राहुल पाटील, नक्कीच सगळ्याच भूमिकेत ते आम्हाला पाहायला मिळतात। दानशूर व्यक्तिमत्व राहुल पाटील इथे उपस्थित होतात संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आणि स्वर्गीय भाऊ चषक 2020 मध्ये त्यांचं सहर्ष सहर्ष स्वागत।
त्याचबरोबर आपल्याला लाभलेले मान्यवर अनिल निरगुडा हे मान्यवर सुद्धा आपल्याला या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये लाभलेले, त्यांचे सुद्धा नक्कीच स्वर्गीय भाऊ चषक 2020 मध्ये हार्दिक स्वागत. तसेच मनोहर वाघ हे सुद्धा मान्यवर लाभलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. तर वन बाऊस चौकार कमजोर गेंद मिली थी उसका फायदा उठाया वहां पर बल्लेबाज ने देवजी के बैट से, ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक. हालांकि काउ कॉर्नर की खिलाड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे काफी आगे गिरी थी गेंद और उनके ऊपर से बाउंस पर चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. चार रनों के लिए चौके की मदद से खाता खुला देवजी का. इस बार कट करने चाहते थे. ओहो, विकेट कीपर का निशाना यदि सटीक होता तो ये मामला नजदीकी हो सकता था. बीट हुए थे बल्लेबाज और काफी आगे भी निकले थे. किस्मत अच्छी है कि निशाना छूक गया वहाँ पर विकेट कीपर का, नहीं तो पेविलियन में लौटना पड़ सकता था देवजी को. अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज स्वप्निल गायकर. चार पर रुका हुआ स्कोर, 31 रनों का पीछा करती हुई अंजुर टीम. नक्कीच पुन्हा एकदा उंचावर मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. शतरक्षक आहे, काही एक साठी नक्कीच प्रयत्न होईल पण दुसऱ्या धाव्यासाठी नक्कीच रोखलं गेलंय फलंदाजाने. धावसंख्या एक निवाडते, धावसंख्या होते ती 5 एक गडेच्या मोबदल्यात. जर सगळं आपण बघितलं तर पहिल्याच चेंडूवर विकेट मिळाला होता. या ठिकाणी थोडंसं वेगळं आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्या चेंडूवर चौकार येताना आतापर्यंत पाहिलं होतं आपण, परंतु पहिल्या चेंडूवर विकेट पण दुसऱ्या चेंडूवर मात्र चौकार येतोय तो म्हणजे अंजूर संघाचा. गंगाराम पाड़ा टीम के कैप्टन और पोगाव टीम के कैप्टन आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है, बॉल चॉइस करने के लिए आना है. खराब शॉट इस बार, अपील हो रही है स्टंपिंग के लिए लेकिन अंपायर संदीप भवर की सहमति नहीं मिली है. पंचांशी कुठल्या प्रकारचं सल्ला मसलत करायची नाही, जो निर्णय असेल तो नक्कीच मान्य करावा लागेल. एक चौका लगा है लेकिन उसके अलावा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. स्कोर रुका हुआ है 5 पर. जैसे शुरुआत हुई थी दुधनी टीम की वैसी ही शुरुआत लगभग देखने को मिल रही है कालिका माता अंजुर टीम की भी. पावर प्ले का ज़्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं. इस बार लोअर फुल टॉस स्क्वेयर लेग पर सीधे फील्डर के पास, सफाई से फील्ड नहीं कर पाए, नहीं तो रनआउट का मौका बन सकता था. एक रन इस गेंद पर और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति. केवल 6 रन एक विकेट के नुकसान पर कालिका माता स्पोर्ट्स अंजुर. 10.33 ची सरासरी जमा अनुसार रन काढायचे होते परंतु या ठिकाणी थोडंसं मागं पडलेलं दिसतोय. मला वाटते कालिका माता अंजुर संघ असकिंग रेट थोडासा वाढला असेल कारण आता मात्र जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज असणार आहे. 12 चेंडू आणि 25 धावा म्हणजे जवळजवळ 12.5 सरासरीने धावसंख्या जमवायची आहेत. म्हणजे हा दुसरा षटक आहे तो खूप महत्त्वाचा असणार आहे कालिका माता अंजूरसाठी. आज सुबह से ही बढ़िया मौसम, बढ़िया माहौल, बहुत ही अच्छी संख्या में दर्शक यहाँ पर खेल का लुत्फ उठाते हुए. YouTube के माध्यम से भी कई दर्शक इस खेल का आनंद लेते हुए सभी का हार्दिक स्वागत है. इस टूर्नामेंट के आयोजक सन्मान्य नवनाथ उर्फ जानी शेट सुंगाल साहब की ओर से अब 12 गेंदों में 25 रन चाहिए. हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को. नक्कीच ह्या षटकावर फार भविष्य लपलेलं असेल, स्वप्न दडलेले असतील ते म्हणजे कालिका माता अंजूर संघाचे, अन्यथा खूप लांब सामना जाऊ शकतो. ह्या 6 चेंडूंचा योग्य तो समाचार घ्यावा लागेल तरच कुठेतरी कालिका माता संघ या सामन्यामध्ये आपलं आव्हान जिवंत ठेवू शकतो. आणि नक्कीच चेंडूवर वार केला आहे चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक, कुठली चूक नाही. पुढचा गडी बाद होतोय कालिका माता अंजूर संघाचा.
क्या बात है, एक से बढ़कर एक धुने बजाते हुए चलवा म्यूजिकल धमाका, थैंक यू सो मच। नक्कीच आपला जलवा दाखवताना दिसतो गेल्या तीन दिवसापासून। आपली एक जाहिरात सुद्धा होते मला वाटतंय विनोद दादूची, आणि खूप छान असं वाजवणी केली जाते विनोद दादूच्या माध्यमातून। आता मात्र हा पे चेंडू होता थोडासा कटवण्याचा, पॉईंटच्या दिशेने कटवला चेंडू, चेंडू जातोय नक्कीच तोपर्यंत अडवला जातोय। दोन धाव मात्र काढतायत, दोन धावेने धावसंख्या वाढते, तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न करणार नाहीत, केला गेला होता परंतु रोखलं गेलं। दोन धाव मात्र मिळत आहेत, दोन धावेनेची धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 8, यानी की अब बची हुई 10 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। इस टूर्नामेंट का लुत्फ यूट्यूब के माध्यम से उठा रहे हैं, इसके एंटरटेनमेंट पर इस टूर्नामेंट को ऑनलाइन देख रहे हैं एमसीए के बहुत ही मशहूर अंपायर, अंपायर अमित साळवी, और उन्होंने अंपायरिंग पैनल साथ ही कॉमेंट्री पैनल और इस पूरे टूर्नामेंट को हार्दिक शुभकामनाएं भेजिए, थैंक यू सो मच सर। फुल टॉस पर बोल्ड, क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज, विकेट का पतन होता हुआ। नक्कीच या ठिकाणी नाथा वाघ मॅन ऑफ द मॅच पाऊंसर आपल्याला इथं उपलब्ध झालेले होते, ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार ज्यांनी दिला होता ते नाथा वाघ इथं उपस्थित होत आहेत। तर नक्कीच संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आणि शेवटच्या दिवसात सुपर संडेमध्ये त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत नाथा वाघ यांचं। त्यांनी डायरेक्ट खरोखरच स्टेजवर येऊन विराजमान व्हायचं आहे आणि आमच्या या मंचाची शोभा वाढवायची नाथा वाघ। तिसरा झटका लग चुका है कालिका माता अंजुर टीम को, रन संख्या 8, 3 विकेटों के नुकसान पर पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है। पहला विकेट 0 पर गिरा, दूसरा 6 पर और तीसरा 8 पर, अब 9 गेंदों में 23 रन चाहिए। सन्माननीय सुरेश पाटिल साहब का भी यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, और उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको मंच पर आना है। स्वर्गीय भाऊ कप 2020 में आए हुए तमाम मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। साथ में माननीय श्री जीवन भोईर साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत है। लक्ष्य कहीं ना कहीं कठिन साबित हो रहा है कालिका माता अंजुर टीम के लिए, 9 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की ज़रूरत ने बैट्समैन बायत के बल्लेबाज ईश्वर गड़ गए हैं। सचिन और ईश्वर की जोड़ी अब क्रीज पर, दोनों भी नए बल्लेबाज हैं, एक नए सिरे से कहीं ना कहीं पारी की शुरुआत करनी होगी इन दोनों भी बल्लेबाजों को, लेकिन ज़्यादा वक्त भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि गेंदे कम बची है, रन्स ज़्यादा बनाने हैं। तेज तर्रार गेंद, फुलर लेंथ गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा ओवर साबित होता हुआ अशोक भोईर का, 2 विकेट्स चटकाए हैं और सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में। नक्कीच अजय सर मी सांगितलं होतं की गोलंदाजी खूप छान करताय चेरोबा स्पोर्ट दुधनी संघ, आपण नजर बघितलं गंगाराम पाडा या ठिकाणी सुद्धा जबरदस्त गोलंदाजी केली होती आणि नक्कीच जिंकण्याची एक संधी आली होती विनार संघाविरुद्ध, पण ऐनवेळी मौक्याच्या क्षणी इथं पराजित झाला होता आणि तोच संघ एक जबरदस्त कामगिरी करताना गोलंदाजीतून। जगह से ही बल्ला चला रहे वहां पर बल्लेबाज ईश्वर, फुटवर्क का कोई खास उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए फिर से दे घुमा के, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं ले पा रहे हैं, एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ अशोक भोईर का। 2 ओवर के बाद केवल 8 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर कालिका माता अंजुर टीम इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है, आखिरी ओवर में जीतने के लिए 23 रन चाहिए। नक्की 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे, नक्कीच मोठे मोठे लंबे लंबे छक्के मारने पडेगे आणि नक्कीच ही क्षमता ठेवावी लागेल। आतापर्यंत जर बघितलं तर तसं काही फुटवर्क बघायला मिळालेलं नाही कालिका माता अंजुर संघाच्या दोन्ही फलंदाजामध्ये, सचिन असेल ईश्वर असेल, मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतात परंतु थोडासा फुटवर्कचा वापर पाहायला मिळत नाही, कुठेतरी टायमिंग साधलं जात नाही, कुठेतरी चेंडूवरची नजर हटली जाते आणि तिथेच कुठेतरी ते मला वाटतं अशोक भोईर आपलं वर्चस्व गाजवताना दिसतो। धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या आहे ती फक्त आणि 8, 6 चेंडू आणि 23 धावांची गरज। देखना है आप सचिन के पास ट्राई के वो क्या कर पाते हैं, आड़े बैट से खेलने का प्रयास, थोड़ी सी दिशा इन गेंद वाइड है,
लेग स्टंप के बाहर भटक गए गेंदबाज। आखिरी ओवर करते हुए इस मैच में दुर्गेश, काफ़ी रन से उनके पास बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से गेंदबाजी यदि होती रही तो समीकरण आसान भी हो सकता है। वाइड गेंदों से बचना होगा। ओहो, यहाँ पर बेल तो गिर गई है और आउट, अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई। विकेट कीपर थोड़े से चोटग्रस्त हो गए वहां पर, मेरे ख्याल से बेल लगी है उनके आंख के नजदीक। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, ऐसा जब होता है तो काफी दर्द होता है। स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है कालिका मातांजूर टीम की, चौथे विकेट का बल्कि पांच यस चौथे विकेट का पतन हुआ है। सचिन आउट हुए हैं, मात्र 9 रन बने हैं बचे हुए 5 गेंदों में 22 रनों की जरूरत, 5 गेंदे और 22 रन। आज सुबह खेल की जब शुरुआत हुई थी, पहला मैच हमने देखा था जय भोलेनाथ सावंदे और संकल्प स्पोर्ट्स मुरे बी के बीच में, जिसको संकल्प स्पोर्ट्स मुरे बी टीम ने जीता। काफी जबरदस्त बल्लेबाजी रही, 12वां खिलाड़ी पाठवाए थे, 12वां प्लीज। संकल्प मुरे टीम की बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी। उसके बाद दूसरे मैच में जय बजरंग कोलिवली टीम ने शिरगांव टीम को मात दी थी, लेकिन दूसरे राउंड के मैच में कोलिवली टीम को परास्त किया संकल्प मुरे बी टीम ने। उसके बाद कालिका मातांजूर टीम एक्शन में नजर आई थी, जिन्होंने कांबारी टीम को मात दी थी, लेकिन इस समय कालिका मातांजूर टीम बैकफुट पर है, 5 गेंदों में 22 रनों की जरूरत। चरुबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम का जहाँ तक सवाल है, पहले मैच में आई गांव देवी नेवालपाड़ा टीम को मात दी थी और इस मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी बल्लेबाजी करते हुए, पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बल्लेबाज बना पाए थे, 2 विकेट भी गिरे थे, लेकिन अच्छी वापसी की बल्लेबाजों ने। सागर ने अच्छी बैटिंग की, अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान दिया और उसके बाद गेंदबाजों ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। स्वप्निल ने 6 रन देकर 2 विकेट लिए और अशोक ने अपने ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए, 2 विकेट्स उनको भी मिले। खेल की फिर से शुरुआत होती हुई, नए बैट्समैन बिंदास और ये भी आउट, एक और झटका, हैट्रिक पर गेंदबाज। सर तर विचार केला दुर्गेशच्या बाबतीत तर नक्कीच एक नौका फल गोलंदाज आहे, एक कमी अनुभव असताना सुद्धा आणि अशा मोठ्या मॅचमध्ये तो चांगल्या प्रकारचा परफॉर्मन्स करताना आपल्याला दिसतोय चरोबा स्पोर्ट दुधनी संघाकडनं, आणि त्याच्या जोरावर मला वाटतंय नक्कीच 23 धावा त्याला द्यायच्या होत्या, खर्च करायच्या होत्या, परंतु कुठेतरी खूप अशा कमी धावा इथं देण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय तो म्हणजे दुर्गेश। जी हाँ, और पूरी तरह से पकड़ हम देख रहे हैं इस मैच पर चरुबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम की, हैट्रिक पर है इस समय गेंदबाज दुर्गेश। इस टूर्नामेंट में सबसे पहली हैट्रिक राम घाटाल ने ली थी अंजुर टीम के लिए और उसी मैच में चिंसवली के पवन ने भी हैट्रिक ली थी। हैट्रिक हो सकती है, ओ ओ ओ क्या कमाल का क्रिकेट हो रहा है, कैच लिया फील्डर ने, गेंद को अंदर ढकेला, दूसरे फील्डर के पास भी मौका था लेकिन वो कैच नहीं कर पाए और आखिरकार कैच ड्रॉप, हैट्रिक होते होते रह गई, 2 रन इस गेंद पर। वाइडिश डीप मिड विकेट की खिलाड़ी ने कैच किया था लेकिन उनका संतुलन कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, बाउंड्री के बाहर जा रहे थे तब उन्होंने गेंद को अंदर ढकेला, जबरदस्त नजारा था।
एक ही रन लिया है, दो रन भी नहीं लिए है बल्लेबाजों ने, सिर्फ एक रन लिया है। ऐसे लगता है कि अंजू टीम ने मैच छोड़ ही दिया है और अब तो केवल औपचारिकता है शेष। अच्छा शॉट, गेंद को पुल कर दिया है लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। दो रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज, इस बार दो रन जरूर मिले हैं। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, 12 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, केवल दो गेंदे शेष है और दो गेंदों में 19 रन चाहिए। नक्कीच विजयाकडे वाटचाल करताना दिसतोय चोरोबा स्पोर्ट दुधनी संघ। आणि या दोन चेंडूमध्ये 19 धावा जरी आल्या तर नक्कीच त्या मला वाटते नशिबाच्याच जोरावर येऊ शकतात, अन्यथा कुठल्याही प्रकारच्या 19 धावा असा कुठले दोन चेंडू नाही की त्याच्यावर 19 धावा येतील। ऐसे बीच शुभ आगमन होता हुआ गौरव पेट्रोल पंप के मैनेजर सन्मान्य अमोल शिंदे साहब का, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है स्वर्गीय भाऊ चषक 2020 में। तो आपल्या दरम्यान नक्कीच या वडपे गावच्या सरपंच संगीत कविता नवनाथ सोंगाळ जबरदस्त पाहुण्यांचं आगमन झालेलं आहे, सरपंच साहेबांचं आपल्याला इथे उपस्थिती लाभलेले कविता नवनाथ सोंगाळ। तर या टूर्नामेंटमध्ये स्वर्गीय भाऊ चषक 2020 हार्दिक 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 स्वागत। मात्र औपचारिकता है पूरी की जा रही है इस मैच की, लेग बाई के जरिए एक रन आता हुआ, आखिरी गेंद शेष है और जीत के बिल्कुल दहलीज पर इस समय चोरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम। सरपंच मैम का भी यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है, सौभाग्यवती कविता नवनाथ सोंगाळ मैम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। ये गेंद शायद दोबारा करना पड़ेगी, जी हाँ वाइड है, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा दुधनी टीम के समर्थकों को जीत के लिए। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, ओम साई पोगाव वर्सेस एचजी स्पोर्ट्स गंगाराम पाड़ा। गंगाराम पाड़ा टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। आखिरी गेंद लीगल गेंद और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ, मैच को जीत लिया है चोरोबा स्पोर्ट्स दुधनी टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दुधनी टीम एंड हार्ड लक कालिका माता अंजुर।